किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई, केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई, केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया है। आज सुप्रीम आदेश दे सकता है कोर्ट, समिति के समक्ष पेश होने से किसान ने किया मना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत सरकार से सवाल करते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। अदालत ने सरकार से पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नए कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या हम लगा दें। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाले बेंच ने कहा कि सरकार ने कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम लगा देंगे। सरकार इस मुद्दे को संभाल नहीं पाई, हमें ही एक्शन लेना होगा। कल की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि फिलहाल एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो इन कानूनों की समीक्षा करे और कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानूनों को लागू न किया जाए। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे, कानून रद्द नहीं होने तक घर वापसी नहीं होगी। केंद्र ने दाखिल किया है हलफनामा और आज सुप्रीम आदेश दे सकती है कोर्ट, समिति के समक्ष पेश होने से किसानों ने मना कर दिया। किसान आंदोलन पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई, केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, आज सुप्रीम आदेश दे सकती है कोर्ट। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी, सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि यदि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम एक्शन ले लेंगे, और कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, केंद्र को फटकार लगाई गई और आज फैसले का इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट आज क्या सुप्रीम फैसला सुनाता है। कमेटी से क्या किसान बाहर है, क्या किसान इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे? क्योंकि कल जब ये बात पूछी गई थी कोर्ट में, सरकार ने पूछा था कि आप किसानों से पूछिए कि क्या वो इस कमेटी में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि किसान कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। क्योंकि अभी राकेश टिकैत का भी थोड़ी देर पहले हमने बयान सुना, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे, जब तक अपनी मांगों को मनवा नहीं लेंगे तब तक यहां से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन आज देश की निगाहें सुप्रीम फैसले पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहली बात कि किसान जिस तरीके से कल सरकार ने जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और एक कमेटी गठन की बात करी गई थी, आज ऐसा लग रहा है कि शायद किसान इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हालांकि ये बात कल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसान इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा पहलू यही है कि किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वो कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जरूर वो आदर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किसानों से भी पूछी थी कि अगर कोर्ट कमेटी गठित करता है तो क्या किसान इस बात को मानेंगे, किसान आंदोलन को वापस लेंगे, क्योंकि कई जनहित याचिकाएं भी थी जिन्हें जो कोर्ट में डाली गई थी। और कोर्ट सिर्फ किसान और सरकार की याचिकाओं की बात नहीं कर रहा था बल्कि उन तमाम जनहित याचिकाओं की भी बात कर रहा था जिन्हें लेके ये सुनवाई हो रही थी। अब क्योंकि आज कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है जब किसानों के मना करने के बाद, ये देखना होगा। दूसरी बड़ी चीज की सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि 78% बहुत ज्यादा किसान जो है देश के वो बिल के समर्थन में है, और ऐसे में उन लोगों की वजह से इस बिल को वापस नहीं लिया जा सकता है। चंद किसान है जो बिल का विरोध कर रहे हैं,
ज्यादातर किसान जो है वो बिल से सेटिस्फाई है, कई चीजों को लेके मांगे जो है वो मानी जा चुकी है, बात बन चुकी है, 15 तारीख अगली बैठक होनी है, किसानों के साथ लगातार वार्ता चल रही है और किसानों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो जल्द से जल्द आंदोलन वापस ले, और वापस ना ले तो कम से कम महिला बुजुर्ग और बच्चे जो है उन्हें घरों में वापस भेजा जाए। तो इस सरकार का हलफनामा कोर्ट में जा चुका है और इस हलफनामे को कोर्ट देखेगा और आगे के फैसले को सुनाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कल कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था सरकार सामने की, अगर सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है, आंदोलन को नहीं खत्म कर पा रही है, तो कोर्ट को खुद आगे आना पड़ेगा, कोर्ट खुद मामले का संज्ञान लेगा और आज शायद कोर्ट मामले का क्या कुछ संज्ञान लेता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो कोर्ट ने किसानों के लिए जो बात कही थी, क्योंकि किसान कमेटी में आने को तैयार नहीं है, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करेगा इस मांग को किसान मानेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कल संयुक्त मोर्चे में ये फैसला लिया गया और ऐसे में हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रहा था, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जस्टिस लोहड़ा से भी कमेटी में रहने की बात हुई थी और कहा जा रहा है कि जस्टिस लोहड़ा इस कमेटी में होंगे, तो ऐसे में ये बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कमेटी गठन के साथ साथ किसानों को कैसे मनाया जाए, किसानों को कैसे शामिल किया जाए। हालांकि किसान इस बात को बखूबी कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार की नीयत और नीति सही नहीं दिख रही है। जी जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं ये जो किसान स्पष्ट बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट की बातों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये बात भी किसानों ने एकदम स्पष्ट कर दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाएगा तो सुप्रीम फैसला सुप्रीम है, तो किसानों को मानना ही पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो चाहे उनकी मर्जी ना हो। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड को, कल ये भी बात उठी थी कोर्ट में कि 26 जनवरी की परेड को बाधित ना करे किसान, लेकिन आज फिर राकेश टिकैत इस बात को क्लियर करते हुए दिखे कि वो जरूर इस परेड में शामिल होंगे और झंडों के साथ शामिल होंगे। देखिए दो चीजें हैं कि दिल्ली में घुसने दिया जाए या ना घुसने दिया जाए, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है जी, और ये पुलिस तय करेगी। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं होगा, कोई भी यहाँ नहीं घुस सकता, और ये बात अभी कोर्ट ने कही है। लेकिन अगर कोर्ट इस तरह का आदेश दे देगा तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज कि रामलीला मैदान जाने की जो बात कह रहे थे किसान, उसे भी कोर्ट ने पुलिस के ऊपर छोड़ा कि कानून व्यवस्था पुलिस को लागू करनी है, पुलिस इसे लेके सोचे कि रामलीला मैदान में जाना ठीक रहेगा या नहीं, इसकी परमिशन पुलिस ही देगी। जहां तक कानून की बात है, कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा कि वो एक विकल्प देना चाहते हैं किसानों और सरकार दोनों के बीच, क्योंकि गतिरोध जारी है, इस गतिरोध के बीच वो सिर्फ विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, उस विकल्प को सरकार और किसान दोनों को मानना होगा। हालांकि सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया है, कानून स्टे किया जाता है या नहीं ये कोर्ट को तय करना है। सरकार ने उसके पीछे भी दलीलें दी है कि किस तरह तमाम किसान समर्थन में इसलिए कानून को वापस नहीं लिया जा सकता, स्टे नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या किसान इस बात को मानेंगे, कोर्ट की नजर में ये सारे पॉइंट है और यही बड़ी वजह थी कि जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस बात को रखा कि अगर कोर्ट स्टे करना चाहता है कानून, तो उन पॉइंट्स को स्टे करे जिन्हें लेके बात नहीं बन रही है, पूरे कानून को, तीनों कृषि कानून को स्टे करना ठीक नहीं होगा, ये बात रखी गई थी। और दूसरी बात ये भी कही गई थी कि 15 तारीख क्योंकि बैठक होनी है, तो ऐसे में 15 तारीख की बैठक में क्या कुछ निकलता है वो भी कोर्ट उसका भी संज्ञान ले। तो कई सारे पॉइंट रखे गए थे, कल की सुनवाई पूरी हो गई थी, अब आज कोर्ट के फैसले का नंबर है कि आखिरकार जब किसानों ने साफ तौर मना कर दिया कि वो कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई मेंबर कमेटी में नहीं होगा, तो ऐसे में कोर्ट किसानों को किस तरह राजी करता, कोर्ट किसानों को लेकर क्या कुछ बोलता है। जी जी अमित, ये तो बात हो गई कोर्ट की और आज जिस तरीके से सुप्रीम फैसला भी आएगा, कब तक ये सुनवाई होगी, कब तक ये फैसला आ सकता है? 10 बजे का टाइम होता है जब कोर्ट शुरू होता है, केस जो है सीरियल से लगे होते हैं, उसके बाद कभी भी इसकी सुनवाई हो सकती है। और चूंकि आज सिर्फ फैसले का दिन है और खासतौर जो हलफनामा दिया गया है उस हलफनामे को लेके भी जज डिसाइड करेंगे कि आखिरकार सुनवाई कितने बजे होगी, क्योंकि उस हलफनामे को भी जजों को देखना होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार ने उस हलफनामे में
क्या कुछ लिख के दिया है, उन्होंने जो सवाल केंद्र सरकार से पूछे थे उनका क्या कुछ जवाब आया है। तो कई सारे पॉइंट है जिन्हें कोर्ट को नोटिफाई करना है, और उसके बाद जब कोर्ट बैठेगी तो जाहिर तौर पे जिस तरह से सीजेआई कल जिस मूड में दिख रहे थे, तो साफ तौर पे आज कोई ना कोई फैसला जो है वो दे सकता है। जी जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जयवीर भी जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल कोर्ट में इस बात को भी कहा गया था कि इस आंदोलन में बच्चे और बूढ़े क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं, तो क्या उनको वापस उनके घर अब भेजा जाएगा? किसानों का आगे की क्या रणनीति होगी? आप तो बता दूं कि जिस तरह जो कोर्ट के निर्देश आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम यूपी गेट की बात करते हैं, यूपी बॉर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो देर रात जो बुजुर्ग है उनसे यहाँ पर मनोहर या गुहार लगाते हुए नजर आए कि वो अपने गांव चले जाए, उनको घर भेजा जा रहा है और उनके घर भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो किसान यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक किसान बिल वापसी नहीं होगा या जब तक ये प्रदर्शन चलेगा, खाते जाने को तैयार नहीं है। किसान है उन्होंने कहा कि वो राकेश टिकैत के नेतृत्व में है, राकेश टिकैत के साथ है, वो किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने यहाँ पर जो वीडियो सामने आई है, जो उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट भगवान से भी बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश है, उसका पालन करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जो किसान है, जो ऐसे जो बुजुर्ग किसान है जो 60 साल से ज्यादा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट की है, उसे कहा है कि अब वो अपने घर चले जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनका पालन करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसको लेकर, जो निर्देश आए हैं उसको लेकर किसान नेता पूरी तरह से किसान उसकी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने के लिए तैयार हैं और ऐसी तैयारी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। राकेश टिकैत से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय कोर्ट के जो निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाएगा, जो उनका आदेश होगा उनका पालन किया जाएगा और किसी भी तरह जो उनके निर्देशों की अवहेलना नहीं की जाएगी। जी, तो आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई में क्या फैसला होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि केंद्र ने दाखिल कर दिया है हलफनामा, और जिसमें लिखा है कि 78% किसान जो है वो इस बिल से सहमत है, बाकी कुछ परसेंट जो बचे हैं वो इस बिल से सहमत थी, और उनको समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और अब आपको फरुखाबाद से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर एसओजी टीम और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर फरुखाबाद से।